मुझे लगता है कि किरदार वही है, तेवर थोड़ा बदल गया है। ज्यादा प्रेशर लेके फिर इंसान प्रेशर कुकर हो जाएगा। तो इस बार राजनीति का खेल ज्यादा है, क्योंकि करण एक somebody I know from a very long time, तो हमारा एक इंस्टेंट तालमेल हो गया। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन रत्नाचल 2 के लिए, सीजन 1 बहुत ज्यादा हिट हुआ है, लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं, लोग और ज्यादा एक्साइटेड हो गए। टेल अस समथिंग अबाउट सीजन 2 की, क्या होने वाला है इस बार, वसीम एंड विजय आने वाले हैं, क्या करने वाले हैं इस बार नया हमारा? जैसे आपने प्रोमो में देखा है कि इस बार राजनीति जो है रणनीति से भारी पड़ेगी, तो हर किरदार राजनीति का सहारा ले रहा है इस बार। और जहाँ तक विजय और वसीम का सवाल है, तो आई थिंक सेल्यूलर लेवल पे किरदार वही हैं जो आपस में एक दूसरे के लिए नफरत है, गुस्सा है, वो वही हैं। लेकिन कुछ नए किरदार आते हैं, कुछ नए खिलाड़ी आते हैं खेल में, तो उसके वजह से इन दोनों पर क्या फ़र्क पड़ता है, आई थिंक वही कहानी है रक्तांचल 2 की। आपसे जानना चाहूँगा क्रांति जी, किस तरीके से नज़र आने वाले हैं इस बार विजय? इस बार रक्तांचल सीजन 2 काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बेहतर है, और लास्ट टाइम आपने देखा होगा एक्शन और रिएक्शन था, चाहे इनका हो चाहे मेरा हो, लेकिन इस बार एक्शन रिएक्शन के बीच में इमोशन है और पॉलिटिक्स है, उसके बाद रिएक्शन है, तो बहुत सारे माइंड गेम्स हैं जो इस बार आपको देखने को मिलेंगे। और जैसा कि माहौल है तो आप भी जानते हैं, तो इसीलिए आगे जानने के लिए देखें रक्तांचल सीजन 2 ओनली ऑन एमएक्स प्लेयर ऑन 11th of February। ओके, सीजन 2 की अगर मैं बात करूँ तो जब सीजन 1 जब ऑलरेडी हिट गए, तो लोगों की लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लोग और ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और ज़्यादा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग, क्या बताना चाहेंगे? मुझे लगता है एज एक्टर्स हमारी कोशिश सिर्फ ये रहती है कि किरदार के जो जो भाग लोगों को अच्छे लगें, वी मेक श्योर कि कहीं ना कहीं दे कम इन सीजन 2 एज वेल, बिकॉज पीपल हैव लाइक दैट पार्ट अबाउट अ कैरेक्टर। और जब आप उसे निभाते भी हैं तो यू आर अवेयर कि यू नो ये किरदार लोगों को अच्छा लगा है, तो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द कैरेक्टर। आई थिंक उसके अलावा इतना ज़्यादा हम सोचते नहीं, क्योंकि हमारी स्टोरी इज़ इन प्लेस, आर प्लेटफॉर्म एमएक्स इज ऑलरेडी डिसाइडेड अ स्टोरी एंड अ स्टेट ऑफ प्ले, तो आई डोंट थिंक एज एक्टर्स इट्स आर जॉब टू थिंक बियॉन्ड दैट। बट येस, यू फील अ लिटल मोर रिस्पॉन्सिबल टू डू योर जॉब बेटर, एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव डन दैट। आई फील जैसा इन्होंने कहा बिल्कुल वैसा ही है, ज़्यादा प्रेशर लेके फिर इंसान प्रेशर कुकर हो जाएगा, तो इसलिए नर्वस भी थोड़ी सी है शायद, क्योंकि काफ़ी पैंडेमिक के दौरान ही पूरा काम हुआ और उसके बाद एक साल के बाद ये चीज़ सामने आ रही है, तो खुशी बहुत ज़्यादा इस बात की है, बाकी प्रेशर नहीं है। सीज़न 1 जब इतना हिट गया, जब लोगों ने इतना पसंद किया, तब लगा था कि लोग अब किस सीज़न 2 पर भी आएंगे, और मतलब इस तरीके का अब किस तरीके के प्यार को एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? प्यार तो एक ही होता है, जैसा लास्ट टाइम लोगों ने इतना प्यार दिया तो 200 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हुए हैं, तो इस बार शायद 500 करेंगे, 600 करेंगे, तो जैसा कि कहा जाता है लोग मिलते गए कारवां बनता गया, तो कारवां रक्तांचल का और बड़ा हो, और बेहतर हो, और बढ़े। सुनने में आ रहा है कि इस बार विजय काफ़ी रोमांस करते हुए नजर आने वाले ये, हाँ पता नहीं निकितन कैसे, मुझे भी नहीं पता कि इसके अंदर कौन सा रोमांस विजय सिंह ने किया, लेकिन बहुत ही जिम्मेदार रोमांस किया है, और ये शायद आगे आपको देखने को मिलेगा। आप दोनों से जानना चाहूँगा, जिस तरीके से हम सीजन 1 में हमने देखा, इसमें देखा काफ़ी मतलब काफ़ी धमाकेदार चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, काफ़ी कुछ है, बैक स्टेज मतलब बिहाइंड द सीन क्या था कुछ अगर बताना चाहें, किस तरीके की मेमोरीज होती थी, क्या किस तरीके का शूटिंग एक्सपीरियंस होता था, जब इस तरीके का हम जब सारी चीज़ें करते हैं, जब इतना सब ड्रामा हो, तो बैक स्टेज बिहाइंड द स्टेज क्या होता है? एक्चुअली हमारा इस बार, जैसे क्रांति ने भी कहा है, मैंने भी कहा है कि इस बार राजनीति का खेल ज़्यादा है, तो जो एक नीजक रिएक्शन था, जो एक जवानी का उबाल जिसे कहते हैं, उस किस्म का ना वसीम है ना विजय है। लेकिन हाँ, जब हम सीज़न 1 शूट कर रहे थे क्लाइमैक्स, तो याद है, तो बड़ा ही इंटेंस एटमॉस्फेयर था, और एक बहुत ही मैजिकल लोकेशन थी, एक डैम था और वहाँ पर नेचुरली बहुत सारी फॉग थी, तो वही था एज यूजुअल कि डे लाइट जा रही है एंड ऑल, तो उसी माहौल में गन शॉट्स चलते हैं, मुझे एक गोली लगती है, इसे एक गोली लगती है, और हम चेस कर रहे हैं, और चेस के दरमियान इनके जो दो, एक भाई और एक दोस्त हैं, वो चलती गाड़ी से गिर पड़े दो बार, तो मुझे याद है इन बिटवीन सो मच इंटेंसिटी, देयर वाज सच अ कॉमिक रिलीफ, तो ऐसी सब चीज़ें होती रहती हैं सेट पर। एंड यू बताना चाहेंगे कोई ऐसी मेमोरीज, कोई याद, कोई शूटिंग के दौरान जो आपको याद हो, जो आप हमसे बताना चाहें और दर्शकों से बताना चाहें? जैसा कि सीज़न 1 का क्लाइमैक्स था, विजय सिंह पानी में जाता है,
तो उस वक्त टेम्परेचर कुछ 5 या 6 डिग्री होगा, तो मुझे स्विमिंग नहीं आती अभी तक, और उस ठंड में पानी के अंदर जाना। उसके अलावा ये जो घटना इन्होंने बताई है वो बहुत ही, क्योंकि किसी को रियलाइज़ ही नहीं हुआ हुआ क्या है, और अचानक से इन द निक ऑफ द मोमेंट किसी एक का हाथ आया और उसको जो कट्टा जिसने प्ले किया है, तो अंततः सब कुछ भला रहा, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, मज़ा बहुत आया, स्पेशली रीतम श्रीवास्तव के साथ, हमारे जो कैमरा मैन हैं DOP विजय मिश्रा, तो और जो पूरी टीम बहुत मज़ेदार टीम थी। काफ़ी मार धाड़ काफ़ी एक्शन देखने को मिला हुआ सीजन 1 में। इस सीजन 2 में अगर बात करें तो आप दोनों के किरदार में और क्या नया होने वाला है जो फैंस को मिलने वाला है सीजन 2 के अंदर, वसीम के कैरेक्टर में एंड विजय के कैरेक्टर? मुझे लगता है इसके लिए आपको देखना चाहिए रक्तांचल, अगर सब कुछ हम बोल देंगे तो आप देखोगे यार। अगर हिंट देना चाहें तो दर्शकों को कि इस बार जो उनको नया हिंट ये कि 11 तारीख को MX पर आ रही है रक्तांचल 2, आप प्लीज देखिएगा प्लीज। आपके बताना चाहेंगे क्रांति जी, थोड़ा किरदार के बारे में बताइए जो इस बार फैंस को नया मिलेगा। और नया यही मिलेगा कि एक्शन रिएक्शन नहीं है, उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसके अलावा जय होगी विजय होगी। इस बार कैरेक्टर के लिए कोई नई अप्रोच थी आप लोगों की कि जो कुछ बताना चाहें इसके बारे में? मुझे लगता है कि किरदार वही है, तेवर थोड़ा बदल गया है, पर आई थिंक हम दोनों का अप्रोच और जो भी प्रोसेस होता है एज एन एक्टर वही रहा है, और बस उसके अलावा कुछ नुएंसेस चेंज होते हैं आई थिंक, बट जब आपका एक किरदार सेट हो जाता है एक तरीके से तो उस वहाँ पहुँचना ईजियर हो जाता है फॉर एन एक्टर। बहुत ज़्यादा उसको आप बदल नहीं सकते हैं मेरे ख्याल से, जब एक बार सुर आपका लग जाता है, और इस मामले में MX और रीतम श्रीवास्तव जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने पहले से बहुत कुछ चीज़ें हम लोगों के लिए मैं कह सकता हूँ कि बहुत इजी बना के रखी थी कि जी बताएं। नई एंट्रीज भी हुई हैं इस बार, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अरे कमाल की एंट्रीज हैं, धमाल की एंट्रीज हैं, आपको देख के बहुत मज़ा आएगा, तभी मैं कह भी रहा हूँ कि काफ़ी बड़ा है, बेहतर है, और जिस तरह के कलाकार इस बार जुड़े हैं वो अपने आप में बहुत नामचीन कलाकार हैं, चाहे वो आशीष सर हों और करण पटेल हों या फिर माही जी हों, तो आगे जानने के लिए देखें रक्तांचल सीजन 2। जानना चाहूँगा करण के साथ में कैसा शूटिंग एक्सपीरियंस रहा आपका, किस तरीके का माहौल था सेट पर, कुछ बताना चाहें? पैंडेमिक का टाइम था, लॉकडाउन का माहौल जैसा था एटमॉस्फेयर, तो जो हमारा सीन था उसके लिए जो निर्धारित समय था वो बहुत थोड़ा सा रह गया था, तो जितना हम जिस तरह से चाह रहे थे, डायरेक्टर जिस तरह से चाह रहा था सीन, उस तरह से हम एग्जैक्टली उस किस्म के शॉट्स नहीं मिले, लेकिन क्योंकि करण एक somebody आई नो फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो हमारा एक इंस्टेंट तालमेल हो गया और वो सीन somehow वी managed इन दैट लिटिल टाइम दैट वी हैड, वरना आई डोंट नो हाउ एंड वेयर वी वुड हैव शॉट दैट सीन। उसके अलावा क्रांति का ज़्यादा काम रहा है करण के साथ इस शो में, तो क्या कहना चाहेंगे बताइए किस तरीके के काम करने का? बहुत ही ईजी गोइंग कलाकार हैं वो, बहुत ही ईजी गोइंग कलाकार हैं, और सबसे कमाल की बात है कि उनको खाना बहुत पसंद है और वो मुझे भी पसंद है, तो कई बार पैकअप के बाद हम लोग साथ में डिनर किया करते थे और बहुत सारी बातें होती थी उनके साथ, और भी बातें बहुत की जा सकती हैं, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, तो हम लोगों ने बहुत मज़े लिए। लास्टली क्या कहना चाहेंगे आप दोनों, जो आपके दर्शक जो आपको देख रहे हैं उनसे? एक एक्टर क्या ही कहेगा, यही कहेगा कि प्लीज़ आइए हमारा शो देखिए, और हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है और हम यही आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगे, और जितना प्यार आपने हमारे सीज़न 1 को दिया है यही आशा कर रहे हैं कि सीज़न 2 भी आपको उतना ही अच्छा लगे और आप उसे भी उतना ही प्यार दें। देखिए कहना तो अब जनता को है, हमने काम किया है तो अब जनता कहेगी कि उनको सीज़न 2 कैसा लगा या लगेगा उस दिन, तो जनता से बस इतनी अपील है कि और भी प्यार करें और इस कारवां को जो रक्तांचल का चला है उसको और आगे लेके जाएं, क्योंकि आप जितना हमें प्रोत्साहित करेंगे MX वाले भी सुनेंगे और भी नई नई चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आ सकते हैं हम कलाकार, तो ज़रूर देखें रक्तांचल सीज़न 2, क्योंकि इस बार बड़ा है, बेहतर है।